हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी मिठाई। देखिए, यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था, कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं इस तरीके की बाटी बना बना के इसमें सेकूँगी। देखिए, यहाँ पे हमें डीप फ्राई करना है इनको। कितनी अच्छी तरीके से सिक रही है, हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन तक होने तक सेकना है। देखिए, इस तरीके से ये सिक चुकी हैं। देखिए कितनी अच्छे से खिल गई है, हमें पता चल जाएगा इस तरीके से सिके हैं तो कितनी अंदर से सिक गई हैं। हम इनको हल्का ठंडा होने देंगे, फिर एक मिक्सी से हम इन्हें पीसेंगे। देखिए, हम थोड़ा तोड़ के मिक्सी के जार की सहायता से हम इन्हें पीसेंगे। देखिए, हमें इस तरीके से पीस लेने हैं। हम इसी तरीके से सारी बाटियाँ पीस लेंगे। वैसे बहुत लोग कूट भी लेते हैं इन्हें, पर हम मिक्सी से करते हैं, हाथों से भी बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सारी बाटियाँ पीस ली। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। आज का आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना। बाटी तो हमारी पिस चुकी है, अब डालेंगे हम इसमें मेवे। देखिए, यहाँ पर मैंने गोला, किशमिश, इलायची कट कर लिए हैं, मैं दिखाती हूँ। देखिए, हमारे ये दाल बाटी इस तरीके से बन गई हैं। मैंने 1 किलो आटा लिया था और 300 ग्राम बेसन, दोनों को मिक्स करके बनाया था। अब मैं इसमें डालूँगी 1.25 किलो बूरा। आप अपने अनुसार डाल सकते हो मीठा, हम थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं इसलिए हम मिला रहे हैं। पहले मैं बूरा छान के डालूँगी। मैंने यहाँ पे बूरा अच्छे से छान लिया है। देखिए, अब मैं इसमें बूरा मिलाऊँगी। देखिए, मैं सारा बूरा छान लिया है। देखिए, इसमें अब मैं बूरा मिला रही हूँ, दोनों हाथों की सहायता से मिलाऊँगी इसमें। मुझे छोटा बर्तन लग रहा है, मैं शायद परात में भी मिलाऊंगी। देखिए, हमें इस तरीके से मिलाना है। मेवे मैंने पहले ही मिला लिए थे। इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम खोआ, 300 ग्राम ही हम घी डालेंगे, तभी ये हमारा बनेगा। मैं यहाँ पे दोनों हाथों की सहायता से इसे मिक्स करूँगी। देखिए, यहाँ पे ये हमारा मिल चुका है। अब मैं इसमें मिला दूँगी खोआ। देखिए, बूरा तो हमारा मिल गया है इसमें। हमारे यहाँ पे वैसे दीपावली पे बनता है ये गोवर्धन वाले दिन। आज है तुलसी जी का विवाह, जैसे आज देवउठी एकादशी होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने मिला लिया है दोनों हाथों से ये। इसमें मैंने मिला लिया खोआ। अब मैं मिलाऊँगी इसमें घी, यह है घी 300 ग्राम। मैं अब घी को इसमें मिलाऊँगी घर का। यहाँ हमने घी गरम कर लिया, देखिए मैंने इसे मिला लिया है। मैं यहाँ पे इसको मिलाऊंगी अच्छे से, थोड़ा गर्म है, थोड़ी देर बाद इसके लड्डू बांधूंगी। देखिए, यहाँ पे इसमें मैंने खोआ मिला दिया था पहले ही, आपको नहीं दिखा पाई थी। देख फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आज मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, यहाँ पे मैंने लड्डू सारे बांध लिए हैं। देखिए, आइए आप भी खा लीजिए, हम आपको दिखाते हैं हमने अपने घर में कैसे चिपके बिंदियाँ लगाई हैं। देखिए, मैंने पूरे घर में इस तरीके से सजाया है। घर के जो किनारे किनारे होते हैं सब पे हम इस तरीके से बिंदी लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम पूजा तो नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमारी सासू माँ हैं, वो करती हैं पूजा, पर हमने अपने घर में सारा ये इस तरीके से बिंदी लगा दिए हैं। आप भी कमेंट में बताना आपके यहाँ पे भी इस तरीके से सजाते हैं क्या। मैंने मंदिर भी सजा दिया है, देखिए यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ।